संकट फिर हुआ है। बीजेपी को निर्णायक बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। 19वें राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है, आखिरी राउंड की काउंटिंग की जा रही है। और थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था जब 3000 वोटों के साथ ही कांग्रेस के प्रत्याशी धीरेन्द्र शाह आगे चले थे, लेकिन अब यहां पर एक बड़ा उलटफेर हो गया है। 19वें राउंड की काउंटिंग के दौरान, आखिरी राउंड की काउंटिंग अब जारी है, लेकिन 19वें राउंड की काउंटिंग के दौरान देखा जा रहा है कि बीजेपी ने कांग्रेस को पछाड़ दिया, यानी कि बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं कमलेश शाह, उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी धीरेन्द्र शाह को पीछे कर दिया है। बीजेपी को निर्णायक बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। 19वें राउंड की गिनती पूरी हुई है, आखिरी राउंड की काउंटिंग जारी है और यहां स्पष्ट हो जाएगा, चूंकि अभी जो ताजा रुझान सामने आ रहे हैं उसमें बीजेपी के कमलेश शाह आगे बने हुए हैं, बढ़त बनाए हुए हैं। अमरवाड़ा में एक बड़ा उलटफेर हुआ है और कुछ देर पहले जिस तरीके के रुझान सामने आ रहे थे उसमें कांग्रेस के प्रत्याशी आगे चल रहे थे, लेकिन अब जैसे जैसे स्टेज पार होते गए, 19वां राउंड पूरा हुआ है, उस दौरान देखा यह जा रहा है कि मध्य प्रदेश के अमरवाड़ा उपचुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी कमलेश शाह निर्णायक भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी ने कांग्रेस को पीछे छोड़ा, अमरवाड़ा में उलटफेर हुआ है और बीजेपी को निर्णायक बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। 19वें राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है, आखिरी राउंड यानी कि 20वां राउंड अभी इस वक्त जारी है और कुछ ही देर में परिणाम आपके सामने होगा। और जिस तरीके से रुझान सामने आ रहा है, कमलेश शाह बढ़त बनाए हुए हैं, निर्णायक बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, उससे यह स्पष्ट है कि एक राउंड के और चुनाव में जल्द ही ऐलान हो जाएगा किस पार्टी ने दमखम दिखाया, जीत कर आई है, जनता ने किसे अपना आशीर्वाद दिया है। बीजेपी को निर्णायक बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है अमरवाड़ा का अखाड़ा, और इस अखाड़े में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में मुख्य टक्कर थी। और इस टक्कर में कुछ देर पहले जहां कांग्रेस आगे बढ़ती हुई नजर आ रही थी, तो वहां अब 19वें राउंड की गिनती पूरी होने के दौरान बीजेपी के कमलेश शाह निर्णायक बढ़त बनाते हुए आगे चल रहे हैं और धीरेन्द्र शाह पीछे हो चुके हैं। और चलिए सीधे रुख करेंगे छिंदवाड़ा से, संवाददाता राजेश करमेले जुड़ गए। राजेश, क्या अपडेट अभी देखा जा रहा है कि 19वें राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है और बीजेपी निर्णायक बढ़त बनाए हुए है? ये बिल्कुल देखिए, बड़ा उलटफेर बीजेपी ने यहाँ किया है। ये लगातार चौथे राउंड के बाद से लगातार कांग्रेस बढ़त बढ़ाए हुए थी, लेकिन 17वें राउंड के बाद कांग्रेस को पीछे छोड़ दिया बीजेपी ने। बीजेपी अभी दो राउंड में लगातार बढ़त बनाए हुए हैं, तकरीबन 1200 के आसपास की लीड है बीजेपी की। बीजेपी का साफ कहना है कि एक राउंड की गणना बची हुई है, इसमें इस लीड को कवर करना संभव नहीं है। जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, क्योंकि आखिरी इसकी गिनती चल रही है आखिरी राउंड की, तो ये कहा जा रहा है कि 1500 के आसपास जीत तय है बीजेपी की, और ये मान के भी चल रहे हैं। कांग्रेस भी ये मान चुकी है कि आखिरी का बूथ जो है वो कमजोर है। इस कुल मिला के इस चुनाव में जो मतगणना हुई है बेहद रोचक रहा है, बेहद नजदीकी मुकाबला रहा है, और लगातार ऊंच नीच जो आंकड़ों में आई है उसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों के नेताओं की सांसें थमी हुई थी। अभी भी दोनों दल के नेता वहीं मौजूद हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है जब विधानसभा में मतगणना पूरी होने तक दोनों दलों के नेता और बूथ एजेंट यहाँ पे है, मौजूद है मतगणना एजेंट।